को प्रोटोकॉल मिले और वो भी मिनिस्टर कॉलोनी में रहे, और एक आदमी जिसको इंसाफ की बुनियादों पे वोट मिले हैं वो बीमार है। कौम ने इमरान खान को वोट दिया इंसाफ के लिए, बदमाशों को नेस्त और नबूद करने के लिए, चोरों डाकुओं और लुटेरों और इस मुल्क के खजाने को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने वालों के लिए, कानून के आनी शिकंजे में लाने के लिए, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इमरान खान को ये कामयाबी देगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आज मैंने खान साहब से कहा कि गरीब ने आपको वोट दिया, आम आदमी ने आपको वोट दिया, उन लोगों ने नहीं दिया जो पार्टियों के लिए, जो हुकूमतों के साथ हर वक्त अपने इज्जत के दिन भी पूरे नहीं करते। इस मुल्क में ऐसे चेहरे हैं जब हुक्मरान हो तो लोग इज्जत के दिन भी पूरे नहीं करते और हुकूमत के साथ आ जाते हैं। खान साहब के पीछे आज कौम की आवाज है और कौम चाहती है कि किस किस जगह पे नहीं लूटा गया, पानी पे लूटा, रोटी पे लूटा, तंदूर पे लूटा, मेट्रो पे लूटा, लूट मार का पैगाम बना के, और आज कौम को कहते हैं कि जमहूरियत नहीं चलेगी, लोग इंसाफ की जमहूरियत चाहते हैं, शराफत की जमहूरियत चाहते हैं। और आज जो आसफ जरदारी साहब सिंध में निकले हैं, मुझे पूरा यकीन है कि उनको तस्वीर नजर आनी शुरू हो गई है। और आज जो नवाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में तशरीफ लाए हैं, जनाब इसी आप असम्बली में होते, इसी असम्बली में होते अगर शेख रशीद का पानामा केस ना होता, आप कहते थे शेख रशीद असम्बली में नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब, मैंने कहा था अल्लाह के हुक्म से शेख रशीद होगा, आप नहीं होंगे, आप नहीं होंगे। और आज इस शहर में जो खास तौर पर मेरे कुरैशी भाइयों के साथ जो मसला हुआ, वो भी मैंने प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में लाया कि पंजाब का फूड डिपार्टमेंट तंग कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला एक दो दिन में मैं लाहौर जा रहा हूँ, अभी जरा मैं कराची जाऊंगा, कराची के बाद लाहौर दो तीन दिन रह के आपके लिए नाला लई एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह भी इमरान खान करेंगे। और इसमें लोगों को दोनों तरफ सुपर मार्केटें देंगे, एक नया शहर आबाद करेंगे, पानी को भी रोकेंगे, सैलाब को भी रोकेंगे। और मैं इमरान खान साहब का मशहूर हूँ, उन्होंने मुझे फोकल पर्सन बनाया नाला लई का। मैं जहाँ रेलवे में अपनी सलाहितों का भरपूर इस्तेमाल कर रहा हूँ, वहाँ नाला लई मेरी सोच आज से 14 साल पहले से थी। इंशाअल्लाह ताला सिर्फ अल्लाह की मंजूरी की जरूरत है। और पंजाब में CNW, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी और दूसरे डेवलपमेंट के इदारे सबको मिला के इंशाअल्लाह ताला मार्च से पहले पहले, अभी मैं तय नहीं करता क्योंकि जब मैंने ये काम छोड़ा नाला लई उस वक्त 16 अरब का बजट था, आज ये 36-30 अरब रुपए में पहुंच गया है। 20 रुपए टूल टैक्स लगाएंगे जी, मैंने खान साहब से दरख्वास्त की है कि 15 में ले आए, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ट्रैक भी बिठाए चलाएंगे ताकि ये ले गए हैं हम सोहा पे 4 किलोमीटर आगे ले गए हैं, सोहा से चलेगी और इस्लामाबाद वो पेशावर मोड़ तक इंशाअल्लाह ताला बगैर सिग्नल के ये दो तरफा सड़क होगी और दोनों तरफ सुपर मार्केटें होंगी जिससे इसका खर्चा निकालेंगे। और मैं आमिर कियानी साहब का एक दफा फिर मशहूर होगा, इसी तरह मैं राशिद हफीज साहब का, अदनान चौधरी साहब का और उमर बट साहब का, आसफ साहब का और राशिद शफीक साहब का सबका मशहूर हूँ और आप मीडिया का भी मशहूर। आप पहुँच गए, आपको मैं सलाम पेश करता हूँ। बेनजीर भी शहीद हो गई और उनकी भी वसीयत नौकरानी से निकली, और बलावल का मुझे दुख रहेगा अगर उसकी सियासत का दिया बचा हो गया। कैमरा मैन के ऊपर तशद्दुद किया है,
دوسرا سوال یہ ہے کہ نئے بڑے زوروں سے خلاف تو کاروائی کر رہے ہیں, دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو اور اساتذہ والے افراد کی نشاندہی کرے گا اس کو نہیں دی جائے گی, اور اس صورت حال کا کیا ہوگا؟ یہ جو گارڈ نے تشدد کیا برا کیا اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور ان کے خلاف پرچہ درج ہونا چاہیے. خود عمران خان کی وزارت میں سے دو وزیروں نے, بابر اعوان نے اور اعظم سواتی صاحب نے ریزائن دیا, اور جو ڈوئل نیشنلٹی کا مسئلہ ہے وہ بھی ایک مہینے کا ٹائم ملا ہے, اور ڈوئل نیشنلٹی میں سپریم کورٹ نے کہا یہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے, سو ایک مہینے کا ٹائم ملا ہے, سو اس پہ کیبنٹ فیصلہ کرے گی. عمران خان کسی سے لحاظ نہیں کرنے والا. شیخ صاحب ایسے کتنے لوگ ہیں جن کی دوری شریعت ہے؟ دیکھیں میں سیاسی آدمی ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں, میں پرائم منسٹر صاحب سے جب وقت ملتا ہے عام آدمی کی صورت حال کا ذکر کرتا ہوں, اور میں ان کا مشکور ہوں, میری بات سنتے ہیں. اصل وہ چور ہیں جنہوں نے اس خزانے کو لوٹا اور قوم ان کی سزا بھگت رہی ہے. یہ جتنے ٹیکسز پڑے ہیں, یہ بجلی گیس تمام ٹیکسز جتنے پڑے ہیں, اور اس سارے ٹیکسز کے ذمہ دار جو ہیں وہ چور ہیں جنہوں نے اس خزانے کو آپ کو دھوکا دیا ہے. قوم کو یہ بھی بتائیں کہ یہ لوٹا ہوا آواز بابر کے خزانے کے باوجود ہے. سابق صدر آصف علی زرداری نے قبل اس وقت دیکھیں, میں نے ان سے کہا نا وہ اناڑی کہتا ہے, 20 مارچ تک پتا لگ جائے گا کہ عمران خان اناڑی ہے یا کھلاڑی ہے. عقل مند سے میں مخاطب ہوں, بے وقوفوں کا میں لیڈر نہیں. اور دوسری بات آپ نے جو کہی ہے کہ انہوں نے کہا جناب اہل کٹپتلیاں, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسا شخص آیا جس پر کرپشن کا الزام نہیں ہے. کوئی شخص 1300 باتیں کر سکتا ہے, یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان کرپٹ ہے. عمران خان نے سچائی کی سیاست کی ہے, اور جو وزیر بھی کرپٹ ہوگا اس کو بھی کھینچ کے دھکے دے کے نکال دیا جائے گا. راولپنڈی میں وزیر ریلوے شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈر پر تحفظات ہیں, عمران خان کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے.